तो बच्चों आज हम स्टैंडर्ड 6 का इंग्लिश का 1.6 जो एक छोटा सा लेसन दिया है वो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। इसे हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेसन का नाम है द पीकॉक एंड द क्रेन। पीकॉक का अर्थ आप तो जानते हैं, मीनिंग पीकॉक का मतलब होता है मोर और क्रेन का मतलब होता है बगुला। जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 18 पे, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 18 पे देखेंगे, दोनों का चित्र आपको दिया है। क्रेन का चित्र ऊपर दिया है जो सफेद कलर का है, रंगहीन है, जिसका कोई रंग नहीं है। और नीचे मोर का चित्र आपको दिया है, जो ड्राइंग दिया है। मोर पूरा इंद्रधनुष के जैसे 7 रंग होते हैं, बराबर। विबग्योर, आपको पता है विबग्योर का मतलब, जैसे वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। अर्थात मोर के पंख में जितने भी फीदर्स हैं, रंग फुल होते, कलरफुल होते हैं, अलग अलग प्रकार के कलर है। तो ये जो लेसन है एक घमंडी मोर का है, एक छोटा सा लेसन है जिसमें घमंडी मोर अपने आपका जो सुंदरता है उसका बखान करते हुए क्रेन को, बगुले को, मतलब नीचा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। इस लेसन को चलो हम लोग शुरू करते पढ़ना, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, सब वर्ड टू वर्ड हम लोग मीनिंग लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। देयर वॉज वंस अ वेरी कंसीटेड पीकॉक। कंसीटेड का मतलब होता है अभिमानी। अभिमानी, वेरी प्राउड। देयर वॉज वंस अ वेरी कंसीटेड पीकॉक, बहुत ही अभिमानी पीकॉक था। हु हैड अ गॉर्जियस टेल। गॉर्जियस मतलब होता है भव्य या बहुत ही सुंदर, भव्य या बहुत ही सुंदर। टेल, टेल मतलब पता है आपको, टेल मतलब पूंछ। लाइक नो अदर बर्ड, मोर के समान जो पंख था, जो पूंछ था, इसके जैसा पूंछ और किसी बर्ड के पास नहीं था। सो व्हेन ही मेट, जब ये मिले, कौन, मोर मिले जाके किससे, क्रेन से, वन डे, एक दिन, द पीकॉक स्कॉफ्ड एट द क्रेन। स्कॉफ्ड का मतलब होता है मजाक उड़ाना। क्या होता है? मजाक उड़ाना। यह मजाक उड़ाया। तो एक दिन ही मोर जो थे जाके मिले, मेट मतलब मिलना, किससे मिले, बगुले से। एक दिन मिले और उसका जाके मजाक उड़ाना शुरू कर दिए। किसका? क्रेन का। क्रेन्स कलरलेस एंड डल फीदर्स। तो क्रेन से जाके मिले, क्रेन के फीदर्स जो कलरलेस थे, कलरलेस मीन्स रंगहीन, कलरलेस मतलब क्या होता है, रंगहीन, कलरलेस मतलब रंगहीन, बराबर, जिसमें कोई रंग ना हो, उसके फीदर्स का, उनके पंखों का मजाक उड़ाया। एंड इमीडिएटली, और तुरंत के तुरंत, स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैलाया, His own, own मतलब खुद का, colorful मतलब, colorful मतलब रंग भरा हुआ, tail पूछ, for the crane, crane के लिए, to see and admire मतलब उनका मजाक उड़ाकर, किनका, crane का, और अपने पंखों को फैला दिया, जिससे कि बगुला जो crane था वो उसे देखे और इसकी प्रशंसा करे। किसकी प्रशंसा करे? मोर की। मतलब इसी वजह से उन्होंने क्या किया, अपने पंखों को फैला दिया। सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ हम लोग दोबारा एक बार देखते हैं। देयर वाज अ वन, देयर वाज वंस अ कंसीटेड पीकॉक, एक अभिमानी पीकॉक था, हु हैड गॉर्जियस टेल, जिसके पास बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य एक टेल था, पूंछ था, नो अदर बर्ड, लाइक नो अदर बर्ड, जैसा किसी और बर्ड के पास नहीं था। सो व्हेन ही मेट अ क्रेन, जब वो एक दिन एक क्रेन से मिले, बगुले से मिले, वन डे, एक दिन, द पीकॉक स्कॉफ एट द क्रेन, पीकॉक उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिए। किसका मजाक उड़ाना शुरू किए? क्रेन का।
क्रेन के कलरलेस और डल फीदर्स का, क्रेन जो था बगुले के कलरलेस मतलब रंगहीन और डल मतलब बिना किसी रंग के एकदम फीका, एकदम फीका कलर का जो पंख था, देख ही रहे हो आप लोग जैसा कि बिना रंग का क्रेन का जो पंख है उसका मजाक उड़ाना शुरू किए और तुरंत ही अपने पंखों को स्प्रेड कर दिया, फैला दिया, इसलिए कि क्रेन उस पंखों को देखे और देखकर मोर की प्रशंसा करना शुरू करे, मतलब वो चिढ़ जाए, मतलब चिढ़ाने के पर्पज से उन्होंने अपने पंखों को फैला दिया। सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट करते हम लोग, लुक एट माई फीदर्स, ऐसा कहा किसने किसको कहा, मोर ने बगुले को कहा, लुक एट माई फीदर्स मेरे पंखों को देखो, ही बॉस्टेड, बॉस्ट करना मतलब डिंग मारना, बॉस्टेड मतलब क्या, डिंग मारना, डिंग मारना, डिंग मारते हुए कहा कि मेरे पंखों को देखो, हाउ दे शाइन कैसे ये चमक रहे हैं, इन ऑल कलर्स अलग अलग भिन्न भिन्न कलर के साथ, एट ऑफ द रेनबो, रेनबो मतलब इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के समान मेरे पंख चमक रहे हैं, वाइल जबकि योर्स आर सो पेल, पेल मतलब होता है फीका, जबकि तुम्हारा जो पंख है एकदम ही फीका है, आई एम ड्रेस लाइक अ किंग, बराबर मैंने ड्रेस किया हूँ किसके समान, किंग के समान, जैसा राजा अच्छे अच्छे नए नए पोशाक जो वस्त्र होते पहनते हैं उसी प्रकार मोर बोलता मैं भी एक राजा के समान कपड़ा पहना हूँ। इस प्रकार ये सेकंड पैराग्राफ था, इन दोनों पैराग्राफ में मोर ने अपना अभिमान, अपना प्राउड, अपनी सुंदरता का बखान किया। अब इसका जवाब तीसरे पैराग्राफ में बगुला भी देता है, दैट्स ट्रू, ये ठीक बात है, ये सही बात है, द क्रेन answered, क्रेन ने जवाब दिया, उत्तर दिया, बट अब क्रेन अपने बारे में बता रहा है, बट लेकिन आई कैन फ्लाई हाई अबोव, मैं फ्लाई कर सकता हूँ, फ्लाई करना मतलब होता है उड़ना, उड़ान भर सकता हूँ, हाई अबो ऊंचे ऊंचे मतलब आकाश में, क्लाउड के बीच ना, मेघों के बीच, बादलों के बीच और स्टार्स के बीच मतलब तारों के बीच, बराबर, बट आई कैन फ्लाई हाई अबो में ऊंचा ऊंचा उड़ान भर सकता हूँ, अमंग मतलब के बीच में, क्लाउड के मतलब बादलों के बीच में और स्टार के बीच में, स्टार मतलब तारों, तारों के बीच में, एंड आई कैन सी और वहां से मैं देख सकता हूँ ऑल द ब्यूटी, ब्यूटी मतलब सुंदरता, पूरी सुंदरता को देख सकता हूँ ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की जितनी भी सुंदरता है, जैसा कि क्रेन रंगहीन है लेकिन इसके पास ये क्वालिटी है कि ये ऊपर ऊंची ऊंची उड़ान भर सकता है, तो ऊपर जाकर वहां से पृथ्वी की जितनी भी सुंदरता है ऊपर से उसका नजारा वो देख सकते हैं, अर्थ इन ऑल इट्स ग्लोरी, ग्लोरी मतलब होता है शोभा, ब्यूटी, सुंदरता, है ना, प्रताप, बराबर, पृथ्वी के प्रताप को, पृथ्वी की ग्लोरी को, पृथ्वी की चमक को, पृथ्वी की सुंदरता को वो ऊपर से निहार सकता है, देख सकता है, कौन, क्रेन, व्हाइल यू लिव, तो ये सब जवाब दे रहा है, क्रेन दे रहा है जवाब, किसे दे रहा है जवाब, मोर को, अब बोलता है व्हाइल जबकि यू लिव डाउन, तुम रहते हो, डाउन मतलब नीचे, हियर जस्ट लाइक एनी अदर कॉक, बाकी अन्य प्राणियों के समान जो पृथ्वी पर रहने वाले, जैसा कि कॉक से उसकी तुलना की गई, कॉक मतलब मुर्गा मुर्गी, उसके समान, मुर्गा मुर्गी तो उड़ नहीं सकते हैं, उसी के समान तुम भी धरती पे ही रहते हो, भले तुम्हारे पास रंग बिरंगे पंख है, मेरे पास रंगहीन पंख है, लेकिन मेरे पास रंगहीन पंख होने के बावजूद भी मैं ऊपर से आकाश से पृथ्वी की रंग जो होते कलरफुल, जो हमारी पृथ्वी जो चमक है उसको, उसका नजारा देख सकता हूँ, और तुम सिर्फ अपने ही रंग में एकदम मगरूर हो, एकदम चूर हो, बराबर, और किसी के सुंदरता को आप देख नहीं पाते हो। फिर और भी जवाब दे रहा है क्रेन इसको, फाइन फीदर, फाइन मतलब अच्छा, फीदर मतलब पंख, अच्छे पंख डोंट मेक फाइन बर्ड्स, बराबर, अगर किसी के पास अच्छे पंख हैं तो अच्छा बर्ड है, ऐसी कोई बात नहीं होती, बराबर, जिस पक्षी के पास अच्छे पंख हैं वो अच्छा बर्ड है, ऐसी बात नहीं है, भले मेरे पास, मतलब क्रेन ने भी सही जवाब दिया, इसी तरीके से इस जो लेसन है, छोटा सा लेसन है लेकिन बहुत बड़ा सीख हमें देता है, इसीलिए जैसे कोई व्यक्ति, जैसे आप लोग ही स्कूल में जाते हैं, कोई थोड़ा सुंदर ज्यादा दिखता है, कोई सुंदर कम दिखता है, तो हम लोग अपने सुंदरता का बखान करते हुए जो हमसे कम सुंदर दिखने वाले हैं उतने
मतलब अच्छे दिखने वाले बच्चे नहीं है या जो लोग नहीं है उनका हम लोग मजाक उड़ाते हैं, बराबर। ये इसमें बताया गया कि उनके अंदर की सुंदरता देखो, उनके भावों को देखो, उनके फीलिंग को देखो। इस प्रकार मैं इस लेसन का समाप्ति करता हूँ और आप और भी हम लोग का इंग्लिश का जो सेशन है इसे सुनने के लिए समझने के लिए हम लोगों के साथ कंटिन्यू इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है, और बेल आइकन जरूर बजाइए।